Sit, sit, sit. Sasha, sit. Fetch. Good girl. प्यारी प्यारी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। और ये देखें हमारे ट्विंकी को, कल मैंने इसको एक डोज दिया और आज देखो इसकी गर्दन कैसे सीधी हो गई है यार। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र यार। बड़ी मुझे टेंशन थी अपने ट्विंकी की, लेकिन खैर सैलरी क्यू जो है ना वो नंबर वन इलाज है लकवे का। और ये देखें ये हमारे क्वैक क्वैक को चूजली के काम देखें, बेड़ा गर्क कर देता है यार, ये बेड़ा गर्क कर देता है। जस्ट टू गिव यू ए कंपैरिजन, इनका पिंजरा देख लो और हमारे ट्विंकी का देख लो, इनका भी देख लो, इनका भी इतना गंदा नहीं है जितना इसका गंदा है। क्या करती है, फीड पानी में डालती है, पानी के अंदर करती है, उसके बाद फिर गरारे करके ना पानी के अंदर नीचे फेंक देती है और फिर सारा की सारी फीड भी ऊपर बिखेर देती है और गंदगी होना शुरू हो जाती है। यार देखें तो सही, शादिल भाई ये कर रहे हैं। शादिल भाई क्या कर रहे हो? अंडे। अंडे? मोर अंडाज हैव कम? हाउ मेनी अंडाज? 25। ओए इतने सारे भर गए यार। तुझे पता है पूरी गर्मियों में शादिल हमारे पे इतने अंडे नहीं कभी इकट्ठे हुए। हुए थे ना, खराब हो गए। हाँ वो जो 100 अंडे फेंके थे यार। यार गाइस हमारी पूरी हैचरी तुना तुन भरी होती थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अंडे कम हो रहे हैं। निकला हुआ है, मुझे आवाज आ रही है। देखो यार चू चुकी आवाज अभी। फिलहाल तो मुझे बारिश की आवाज आ रही। शादिल ये शेल्स निकाल लो शादिल, सारे के सारे नीचे ना फेंकना यार, ऊपर रख दो सारे के सारे। मूसा भाई कभी आपने एक चीज की जहमत की है? क्या? ये देखो अबे यार ये कितनी गंदी हुई है, इसको भी साफ करना पड़ना है शादिल। चलो करेंगे यार, अभी साफ भी तो नहीं कर सकते ना शादिल, पता है क्यों? क्योंकि अगर इसको बंद किया तो अंडे सारे के सारे खराब होने का खतरा है। हाँ तो हम ये तो नहीं कर सकते। ये क्या चीज है मूसा भाई? ये सेंसर है यार इसका, ये वाटर और हीट का सेंसर है कि देखता है कितनी ह्यूमिडिटी है इस हैचरी के। ओए शाजिल आज का क्या सीन है? सीन थोड़ा पहले नहा रहा। तूने अब नहाना है इधर? इतना प्यारा मौसम हुआ है, दिल कर रहा नहाते रहो। क्या सीन है आज का, क्या करना? यार मैं तो कह रहा था शेर देखने चलते हैं कहीं। ये तो फिर भाई से पूछ रहा हमें जू जू तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं? जू तो नहीं जाना पड़ेगा? वैसे मुल्तान में कोई जू है भी नहीं गाइस, तो भी मुल्तान छोटा सा, ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इधर शेर होते हैं। कोई है जेबी भाई ने बताया था एक शेर का फार्म इनके दोस्तों का, तो वो विजिट करने चले ना यार। हमारे जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे तोतों कबूतरों वाले हैं, ये शेरों का काम होता है शेर के फार्म। तो फिर ऐसा करो शाजिल मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो तुम बाइक लेके जाओ, मैं ना तुम सुन तो सही, जेबी भाई को मैं मैसेज कर देता हूँ, तुम और जेबी भाई पहले पहुंच जाओ, मैं फिर बाद में आऊंगा ठीक है? ठीक हो। आज हम शेरू देखने जा रहे हैं, शेरू देखने जा रहे हैं हम। शेरू जा जा, तू तू दोबारा जा जा, भाग जा। साशा हो ना बारिश बड़ी पसंद है। अब देखना गाइस ये कैच कैसे करेगी। सिट। ये तो गाइस शाजिल भाई और जेबी भाई आ गए हैं उस फार्म के ऊपर और अब मैं जा रहा हूँ, तो जरा यार नॉक कर लेते हैं। ये वाला फार्म है, ये देखो ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा सारी की सारी जाली लगी हुई है ऊपर भी। ये तकरीबन 10 मरले की कोठी है, प्रॉपर कोठी है जिसके अंदर उन्होंने सारे एग्जॉटिक ब्रीड्स रखी हुई है। नॉक की आ जाऊं? आप पहले पहुंच गए मुझसे यार, मर्जी है यार। जेबी भाई आते ही आपने झुकते कराना शुरू कर दिए। आप ना अपना फैसलाबादी होने का ना सबूत देते हो हर जगह जाके। गाइज दिस इज अब्दुल रहमान भाई, कैसे हैं जनाब? और ये जो टोटल फार्म है ये इन्हीं भाई का। तो गाइज जरा अब मैं इनसे पूछता हूँ कि जरा अपना इंट्रोडक्शन दें कि भैया कैसे यार इतने सारे आप महंगी महंगी ब्रीड्स कैसे मैनेज कर लेते हो भाई? सही। तो कितने साल से आप ये कर रहे हो? तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करते हो एनिमल्स की? और ये कौन कौन से मुल्कों से आप मंगवाते हो? मोस्टली अफ्रीका से, हॉलैंड, अमेरिका से। अच्छा, हॉलैंड, अमेरिका और अफ्रीका से, ठीक है। तो आपके लाइंस भी होते हैं काफी सारे? लाइंस भी होते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीक आएंगे। नेक्स्ट वीक आएंगे, तो गाइस नेक्स्ट वीक ना दोबारा आ जाएंगे भाई के पास। भाई ने कहा यार टेंशन ही लेनी, आप देवी भाई के दोस्त हो। इनके पास लायंस, टाइगर्स, पुमास, तकरीबन हर किस्म की एग्जॉटिक पेट की जो है ना वैरायटी वो इधर होती है। इधर ही मैंने उड़ियाल भी देखे हैं, और क्या भजन क्या नाम है मारकोर भी देखे हैं। इनका काफ़ी जो है ना मतलब बड़ा सेटअप था ये। अब मौसम की वजह से थोड़ा सा वाइंड अप किया हुआ था गर्मी की वजह से, तो दोबारा बात हो जाएगा इंशाल्लाह।
गाइस इंट्रोडक्शन हो गया, अब जरा ना मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ सारा का सारा। ये सारे के सारे केजेस भरे हुए हैं निचले पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन थोड़ा सा एम्प्टी है उन्होंने बताया, लेकिन वो भी भर जाएगा। तो आप शुरू करते हैं इस वाले पोर्शन से, और इसमें देखो एक बड़ा सारा घोड़ा खड़ा है। और ये कौन सा घोड़ा है? थोरो ब्रीड है। और ये कौन से मुल्क से आपने मंगवाया? हॉलैंड से आया। सही। और गाइस ये कितना बड़ा है ये आपको आइडिया नहीं होगा, मैं तकरीबन 6 फुट का हूँ और ये मेरे कंधे से भी ऊपर का घोड़ा है, लाइक एक्सट्रीमली ह्यूज। ये थोरोब्रेड हॉर्स है, और जो भी रेसिंग हॉर्सेस के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में जानते हैं, बेसिकली जैसे हम लोग डॉग्स के अंदर कहते हैं ये पेडिग्रीड है, उस तरह से ये ब्लड लाइन इसकी मेंटेन्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, जिसकी वजह से इसको थोरोब्रेड कहते हैं। गोट्स भी खड़ी हुई है कुछ, ये कौन सी है? ये टैडी बकरियां हैं यार, टैडी बकरियां इतनी छोटी होती है, और ये प्योर है मेरा ख्याल है ना, फुल प्योर है, इनको टैडी कहते हैं। और टैडी एक खासियत ये है कि ये दो दो तीन तीन बच्चे भी एक टाइम पे देती है। सही, दो से तीन बच्चे एक टाइम पे जी, और ये आमतौर पे एक देती है। और ये गाइस इधर असील भी खड़े हैं, ये कौन से होंगे जेवी भाई? ये जावा मुर्गा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मुर्गा है यार, बहुत प्यारा मुर्गा है। यस, और गाइस मेरे फेवरेट डॉग्स होते हैं यार, मैं जहाँ भी जाऊँ ना सबसे पहले ये पूछता डॉग्स, और दिस इज अ तिब्बतन मास्टिफ, और ये चाइना की सबसे महंगी ब्रीड है, जिसका एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा 7 लाख रुपए का, कैन यू इमेजिन इट। और ये अभी और एक और बात जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली जो इसका एक स्पेसिमेन इसी नस्ल का जो एक बिका था वो 7 करोड़ रुपए का भी बिका था, जो हाईएस्ट था। ओए 7 करोड़ रुपए का यार, चाइना के अंदर। ये चाइनीज ब्रीड है, इसको कहते हैं तिब्बतन मास्टिफ, और इसके साथ का जो इसका भाई है ना, उसकी नाइयां नाइयां हो रही हैं, ये देखो मुंह कैसा बनाया हुआ है इसने। हेलो, क्या कर रहे हो? नाइयां नहीं कर रहे हो? ये खुद भी अभी बच्चे हैं। हाँ ये बच्चे हैं अभी। और गाइज ये देखें, दिस इज एन अमेरिकन पिटबुल, और दिस इज अ प्योर अमेरिकन पिटबुल। ये इतने साइज के होते हैं, आपने वो मूवीज के अंदर देखा होगा, अमेरिकन हॉलीवुड मूवीज के अंदर, कि यार ये बड़े कड़वे होते हैं, ये अपने टेम्परामेंट की वजह से ना बड़े बदनाम है, कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी। लेकिन फिलहाल ये शाजल भाई के साथ क्या कर रहा है? लाड़ियां कर रहा है। शाजल बच्चे हैं और ये बहुत प्लेफुल है। तो गाइस जरा अब ना हम केज के अंदर जा रहे हैं, और आपको मैं अब चीज दिखाता हूँ, आपने काफी सारी वीडियोस में देखी होगी ये चीज, लेकिन आज ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज आई कहाँ से है। लोगों के थंबनेल तो देखे होंगे आपने, ये देखो पहचाना है इसको? इसको नहीं गाइस से पूछना था, इसको पहचाना है आपने? पहचान तो लिया होगा यार, ये लामा है यार, और ये भी डिफेंसिव पोजीशन में आया, मुझे लगता है पढ़ने वाला है, मुझे थूक फेंकेगा, पहले भी कहीं पे फेंक के आएगा। और साथ ही इसके ये देखो, ये भी अरेबियन नहीं है देवी भाई? यस, ये भी अरेबियन ही है, अरेबियन ऑरेक्स कहते हैं इसको, ORYX। हाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखें गाइस, ये देखो भैंस जितना बड़ा है देवी भाई, ये तो नहीं, उसके सींग बहुत बड़े हैं, बाकी तो छोटा ही है यार। मैं क्लोजअप दिखाता हूँ गाइस, ये देखें इसके सींग, देखें कितने बड़े हैं यार, सो ब्यूटीफुल। साथ वाले ये कौन से छोटे हैं? हाँ ये वाला देखें, ये वाला देखें गाइस, दिस इज एन अरेबियन ऑरेक्स, ORYX, ऑनिक्स नहीं ऑरेक्स। और ये साथ वाले पिंजरे में भी एक खड़ा है, और इसके सींग पे जीवी ये क्या लगा हुआ है? पाइप बंधे हुए हैं मेरे ख्याल से, शायद पाइप चढ़ा है ना, पाइप चढ़ाया हुआ है, इसी वजह से। वो तो यार निचले वाला पोर्शन हो गया हमारे पे ना, उसने अटैक कर दिया था, मुझे तो ये लग रहा है। तो गाइज ये वाला जो पोर्शन है, ये सेकंड फ्लोर है, और फिलहाल ये टोटल, ये वाली साइड टोटल खाली है, लेकिन ये भर जाएगी 1 से 2 हफ्ते के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर, है ना, हफ्तों के अंदर। इनके बड़े भाई जो है ना अदनान भाई, ये बेसिकली काम उनका था, और वो लाहौर गए हुए हैं क्योंकि वो थोड़े से बीमार हो गए थे, उनको माशाल्लाह अब तो सेहतियाब हैं, लेकिन उनको जो है ना हार्ट अटैक हुआ था, और उनको एक आधा स्टंट डला है, जिसकी वजह से जो है ना इधर फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, गिनी पिग, एक ये भागा फिर रहा है और ना चला गया पाइप के, और दूसरा ये है, ये देखें दोस्तों, ये कितना प्यारा है यार, वाइट कलर का जी भाई, ये देखो ये छोटा बच्चा है इनका यार, ये इनका बच्चा छोटा सा प्यारा है यार, कितना प्यारा, क्यूटी पाई गाइस, चू 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 कर रहा है, इसको वापस छोड़ देते हैं इसके मां पापा के पास, है ना। हाँ ये और भी होंगे, देखो इधर कहीं, नहीं और नहीं है, ये एक ही बस, यही है यार, आ जाओ आगे बर्ड्स दिखाओ। और गाइस ये देखें, ये सारे के सारे इनके मोर हैं, इधर कबूतर्स भी हैं काफी सारे, सो मच कबूतर्स। और ये जेवी कौन से कबूतर हैं? इसको वुड पिजन कहते हैं। हाँ ये देखो सुरखाब, ये देखो भाई सुरखाब भी इनके पास, और यार ये मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे खुद बड़ा पसंद है यार, हम भी लेना जेवी भाई,
लेते हैं हम भी लेते हैं यार। और ये वाला मोर कौन सा है यार? ये पाइड है, ये ब्लू पाइड मेल है, पाइड फीमेल है और ब्लैक शोल्डर की फीमेल है। अच्छा, ये ब्लैक शोल्डर की फीमेल है, ये पाइड की फीमेल है, ठीक है। वो ब्लू पाइड है मेल और वो भी व्हाइट की फीमेल है, और दरमियान में वो फेजेंट की फीमेल खड़ी हुई है। ये इसी गोल्डन की फीमेल है ना? नहीं, ये दूसरी ब्रीड की है, लेकिन है ये फेजेंट फैमिली की फीमेल है। सही। और ये दिखाओ देखो यार कितने प्यारे बैठे हुए हैं ये। ये कॉकटेल्स भी गाइस देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये पूरे सारे डर गए। एंड जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया, मैंने ये 0.5 पे सेट किया वाइड एंगल के ऊपर। ये देखो ये पोर्शंस देखो, ये टोटल फार्म है इनका, ट्रिपल स्टोरी है ये। अब तीसरी जो स्टोरी है ना ये अभी बन रही है। और ये देखो ये सेकंड स्टोरी है और ये फर्स्ट स्टोरी। और लाइंस कौन सी स्टोरी सेकंड पे होते हैं ना जी भाई? फर्स्ट पे भी थे, सेकंड पे इस वाली पे भी थे और इस वाली पे भी थे। खुल जा सिम, खुल जा सिम। और गाइज हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। सूरज भी ऊपर। हाँ वो देख कितनी प्यारी प्यारी छोनी छोनी बतख्स। और गाइस ये देखें यहाँ पे भी कबूतर हैं, लेकिन ये कौन से? ये कॉमन है ना जेवी भाई? ये काला खाल है, काफी सारे काला खाल है, केतले हैं, गोरे हैं, बबरे कासद है, ये असील है, ये असील का जेवी भाई को पता मिक्स है। और ये केतला बैठा है, ये रोशना और बैठा है। ये वाले कौन से हैं जेवी भाई? लाल मुखी। ये वाले? ये शादिल भाई को बेहतर पता होगा, ये दूसरे टुकड़ी वाले हैं भाई। टुकड़ी वाले कैसे हो? और गाइस ये रही सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो यार मुझे इस पूरे फार्म पे लगी है ना, वो ये बतखें हैं। और ये देखो कितनी सारी है, मैं आपको सारों की वैरायटी दिखाता हूँ। जरा मैं खोल लूँ एक दफा, ये भाई खोलना इसको। ये गाइस देखें कितनी प्यारी क्वैक क्वैक्स हैं, सो क्यूटी 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 क्वैक क्वैक्स। ये भाई कौन सी नस्ल है ये? उड़ती है भाई, ये तो उड़ती है छोटी छोटी। क्या नाम होता है जिनके सर के ऊपर? जो बिल्कुल सीधी होके चल रही है ना अकड़ के, उनको तो पैकिंग डक कहते हैं। अच्छा, इनको जी, इनको पैकिंग डक कहते हैं। और वो जो है उनका यार कोई खास नाम होता है लेकिन मुझे अभी याद नहीं है, आई एम श्योर कि मैं वीडियो के अंदर जो है। अच्छा, ये जो पैकिंग डक होती है चाइना की ना ब्रीड है? यस, पैकिंग बेसिकली बीजिंग का पुराना नाम है। अच्छा हाँ, बीजिंग शहर जो है ना गाइस चाइना का, उसका पहला नाम जो था ना वो पैकिंग था। और पैकिंग कोचिन, कोचिन जो चिकन है, कोचिन भी उसी का पुराना नाम है। हाँ, कोचिन भी। बीच में एक जोड़ा टर्कीज का भी फिर रहा है। यस, ये टर्कीज है गाइस। और ये देखो एक असील मुर्गा भी इनके साथ ही टहल रहा है। ये देखो आप करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखें गाइस, इनके सर के ऊपर देखें कितनी यूनिक सी ये इनके वो हैं, क्या कहते हैं, ताज। वो कैसे मॉडल्स की तरह खड़ी होती है? हाँ बिल्कुल सीधी गाइस, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, जैसे ना अटेंशन मोड होता है, 4G स्टाइल है। मुसा भाई ये गेम म्यूटेशन भी खड़ी है अंदर। कौन सी? वो देखो ये ब्राउन वाली। हाँ मुझे लगा शायद यही वाली है, लेकिन ये फर्क है, छोटी है वो बड़ी है, वो थोड़ी सी बड़ी है यार। ये मिलार्ड डक्स है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मिलार्ड है, यस, उनके बच्चे हैं। अच्छा, और वो उनका मुझे नहीं पता, वो मेरे ख्याल से गीज हैं, वो डक्स नहीं है, वो गीज हैं गाइस। तो गाइस देखें सेटअप कैसा है इनका यार। और ये टोटल ये अभी बन रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखें अभी केजेस के ऊपर जालियां नहीं लगी थर्ड फ्लोर के ऊपर, ये अभी कंप्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगी जी भाई? कम से कम बहुत सारी होगी, फिर भी लमसम कितना? फिर 2 करोड़ का तो होगा अंदर, लोहे का काम आप देखें कितना सारा है। हाँ, 2 करोड़ आप कम कह रहे हो, कम से कम 4-5 करोड़ नहीं, माल को निकाल के नहीं। द रीजन बीइंग लेंटर नहीं यूज्ड, आप देखो टीआर गार्डर है। हाँ, तो उस वजह से मैंने सही। तो कम से कम गाइस हम 2-2.5 करोड़ के ऊपर खड़े हैं। और मूसा भाई जब मैं केज बनवा रहा था ना ऊपर, तो ये जाली पता करने मैं गया था, इससे थोड़ी छोटी थी इतनी, तो वो थी 370 रुपए फुट। मतलब ये ठीक ठाक महंगा काम है। चलो यार नीचे चलते हैं। इनका काम भी तो महंगा ही है ना, ये तो मतलब शेर लायंस वगैरह और टाइगर्स लेपर्ड्स उनके नजारा डील करते हैं। सही, ये बिल्कुल उन्होंने अपनी तरफ से खाली किया हुआ फॉर्म, तो तब हम लोग विजिट करते हैं। सही। चले गाइस अब नीचे चलते हैं। मूसा भाई हाँ, ये सारी जालियां आपने देख ली है? हाँ, लाखों की जालियां भी यहाँ पड़ी है। ओए यार ये देखो कितनी सारी जाली पड़ी हुई है इधर, और ये हाँ ये सारी की सारी इधर केजेस पे पर ही लगनी है सारी कंप्लीट। और फिर ये सारे के सारे भर देने इन्होंने लाइन से, है ना, लाइन का इनका बेसिकली काम है। और इधर आओ ना, ये देखो केज बने हुए भी देखो,
कि ये अंदर रॉड्स के बने हुए केजेस हैं, मजबूत रॉड्स के, हाँ। और उसके ऊपर जाली जो है वो वेल्डेड है ताकि किसी को पंजा वगैरह ना मार सके। कैसे उन्होंने यार कितना प्यारा काम करवाया हुआ है, मतलब सारा ऐसे ही बना हुआ है। टोटल आप ये देखो ना, टोटल आप इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, टोटल ही ऐसा बना हुआ है, ये देखें, सो ब्यूटीफुल। और गाइस जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि ये इतने बड़े बड़े जानवर कौन से बॉक्सेस के अंदर आते हैं, आओ पाइप उतरा। गाइस जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि ये बड़े बड़े जानवर आते कौन से सेटअप में, तो ये देखो ये एक फुली फंक्शनल बॉक्स है जिसके अंदर, इसके अंदर केज के अंदर लायन आता है ना, इतना बड़ा। ये मेरे ख्याल से तो ज्यादातर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी है ना, कार्गो के लिए। yes. कार्गो के लिए यार यही वाला केज यूज कर, इसको खोलने जरा, इतना हैवी है। और ये देखें ये पूरी की पूरी इसके सामने आ जाएगी, और इसके अंदर जो भी जानवर होगा, शेर होगा, चीता होगा, या फिर वो ऑरेक्स जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। ओ तो ऑरेक्स इसके अंदर आता होगा अब्दुल रहमान भाई, हाँ अच्छा, इस गाड़ी के अंदर वो पीछे डिग्गी के अंदर। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ओरेक्स किस तरह आता है, ये देखें, ये इन्होंने वैन रखी हुई है प्रॉपर, और इस वैन के अंदर ये देखो ओरेक्स इसके अंदर आता है, इसके अंदर उसको लोड करते हैं और फिर जहाँ दिल किया वहाँ पे ले जाते हैं। क्योंकि देखो ना इनके सींग कितने बड़े बड़े हैं, इनके सींगों की वजह से आप इनको तंग जगह पे नहीं रख सकते, उस बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ लाइंस और चीता जा सकते हैं। यार मूसा भाई, हाँ मैं जैसे फॉर्म के अंदर एंटर हुआ था ना, हाँ इनको तो मैंने देखा था, हाँ अच्छे हैं, महंगे हैं सब कुछ है, मगर इतने प्यारे नहीं लग रहे, मगर ये जो चीज है वल्लाह इतने प्यारा लग रहा है ना ये मुझे, अब तुम्हारा प्यारा तुम्हारा दिल आया हुआ है इसके ऊपर, बहुत प्यारा है। तो साशा भी कुछ सॉरी साशा की बेइज्जती नहीं करनी, जो मर्जी इधर 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 कुछ हो जाएगा, बहुत प्यारा माशाल्लाह, हाँ मेरा दिल कर रहा है बच्चा लेने का इसका, इसका बच्चा नहीं हो सकता, ये खुद बच्चा है, छोटा इतना मिनी पैक, मिनी लेना है। तो पूछ लेते हैं अब्दुल रहमान भाई से कितने का, अब्दुल रहमान भाई ये जो आपके पास पिटबुल है इसका बच्चा कितने तक का होगा? इसका बच्चा लाख सवा लाख का बच्चा है। शाजुल भाई हार्ट अटैक आ गया शाजुल भाई को, भाई भाई पंखा लगाओ भाई हार्ट अटैक आ गया शाजुल भाई को। तो गाइस सारा फार्म हमने विजिट कर लिया है, और मैं एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग अब्दुल रहमान भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इजाज़त दी, परमिशन दी अपना फार्म विजिट करने के लिए। अब्दुल रहमान भाई हमारे गाइस को ज़रा हेलो कह दें, और कह दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल। ओके हो गया। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा, अगर ज़्यादा अच्छा लग जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।